हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज का ये वीडियो जो है, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर डिवीजन, किसी भी डिवीजन से अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हो रेलवे अपेंडिसिप के लिए, तो सभी छात्र के लिए जो वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे बात करें या आप टेंथ पास हैं या फिर आप ITI के क्वालिफिकेशन के आधार पर अगर आपने रेलवे से अपेंडिसिप का फॉर्म अप्लाई किया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आपको थंबनेल में ही दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे अपेंडिस महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी क्या है कि अधिकांश आप देखोगे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट आता है, ईस्टर्न रेलवे का बात करें, साउथर्न रेलवे का बात करें, साउथ सेंट्रल रेलवे का बात करें और BLW का, तमाम तरह के जितने भी अपेंडिसिप रिलीज की जाती है रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन जोन की तरफ से, उसमें आपको अधिकांश में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए गैजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड या फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, ऐसा दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये गैजेटेड ऑफिसर या फिर सेल्फ अटेस्टेड, इसका मतलब क्या होता है और इसे क्यों कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बात करने वाला है कि आखिर गैजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपसे क्यों मांगे जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, रेलवे के सभी अधिकांश जोन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर एक तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हम आपको टोटल दो से और तीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट दिखाएंगे, ईस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, डिफरेंट टाइप के जो भी रेलवे डिवीजन से आपका अपेंडिसिप रिलीज की जाती है, और उनमें आपको सेम यही देखने को मिलेगा कि गैजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड करके। तो सीधा चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो आपका इंपॉर्टेंट नोटिस में है, जो आपका कंचनापारा और सियालदा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है 7 नवंबर के। इसमें भी आपको सेम ऐसे क्राइटेरिया को फॉलो करना है। एक दो और हम आपको मेरिट दिखाएंगे सेम ईस्टर्न रेलवे का ही, जिसमें आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बोला गया है और ये आपका 21/22 सेशन वालों का है। जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। देखिए 4th नंबर में आप देख सकते हो कि यू आर इंस्ट्रक्ट टू बींग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इसमें आपको बताया गया क्या कि 10th कॉपी ऑफ फोटोग्राफी विच हैड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो उसका आपको 10 कॉपी फोटोग्राफ लेना है। साथ में देखिए 2 नंबर में क्या बोला गया कि 2 कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और अटेस्टेड बाई गैजेटेड ऑफिसर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल ऑफ द सेम। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको सेम केस देखने को मिल रहा। क्या बोल रहा कि सेल्फ अटेस्टेड और अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, आखिर सेल्फ अटेस्टेड और गैजेटेड ऑफिसर का जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है क्यों मांगा जाता है। सेम आपको ऐसा ही एक और हम डीवी मेरिट दिखा रहे, और ये मेरिट लिस्ट जो आपका जमालपुर वर्कशॉप की तरफ से रिलीज किया गया था 7 अक्टूबर के डेट में, जिसमें आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा तीनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। 1 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा। अगर इसमें बात करें तो इसमें भी आपको सेम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए बोला गया है, और यहाँ पर भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए कि यहाँ पे भी आपको सेम ऐसा ही बोला गया कि 2 कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर अलोंग विद ओरिजिनल ऑफ द सेम। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड आप के जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं सबको आपको क्या करना है कि उसका फोटोकॉपी का मतलब होता है कि जेरोक्स बोल सकते हो आप, सभी डॉक्यूमेंट के जेरोक्स करा लेने हैं आपको, और फोटोकॉपी कराने के बाद उसमें या तो खुद का अपना साइन कर देना है, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट में, या फिर आप कोई गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है कि जहां से आपने 10th पास किया है या फिर जहां से आपने ITI जो भी स्कूल या फिर कॉलेज से ITI आपने पास किया है, वहां के प्रिंसिपल से आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट में से उनके साइन करवाने हैं। जी हाँ, सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें आपका प्रिंसिपल के साइन के साथ साथ उनका मोहर भी लगा रहता है कि वो किस स्कूल या फिर किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर सारा उनका डिटेल रहता है, तो उसे गैजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको डॉक्यूमेंट में खुद से साइन कर देना है, डॉक्यूमेंट के नीचे जो ब्लैंक जगह रहता है, खाली जगह रहता है, वहां पे आपको खुद से साइन कर देना है, उसे सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। और जो गैजेटेड ऑफिसर है अपने स्कूल या फिर अपने कॉलेज जहां से आपने 10th ITI पढ़ा है, वहां के प्रिंसिपल के द्वारा जब आप वहां पे साइन उनका और मोहर ले लेते हो तो उसे गैजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ताकि इसलिए क्योंकि आप जब यहाँ पे अपना साइन करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फुल्ली वेरीफाइड हो जाएगा, या फिर जब आपके स्कूल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल आपके डॉक्यूमेंट में साइन करेंगे तो वो भी फुल्ली वेरीफाइड होकर ही करेंगे। ऐसे जो गलती का संभावना रहता है वो बहुत कम रहता है। इसलिए अभी आपको अधिकांश जो है यहाँ पर, खासकर ईस्टर्न रेलवे में ज़्यादातर यहाँ पर आपको मांगा जाएगा कि अटेस्टेड बाई सेल्फ या फिर अटेस्टेड बाई गैजेटेड ऑफिसर। तो इतना ही था, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था और बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं समझ में आता था
हालांकि गजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो चलिए, छोटी सी जानकारी थी पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। जो डॉक्यूमेंट करवा ली है उनके लिए तो बहुत अच्छा, पर जो आने वाले डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है 22 और 23 का ईस्टर्न रेलवे में फॉर्म भरा गया है 3115 पोस्ट पे। अभी इसका मेरिट लिस्ट आने में कम से कम मार्च से अप्रैल तक का समय आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और खासकर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर से आपसे मिलेंगे नई जानकारी नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।